दोस्तों भारत और चीन के बीच सीमा पर बड़े तनाव के बाद एक बार फिर से देश में चीनी उत्पादों का विरोध शुरू हो चुका है। आपको बता दें, एक समय पर जहां पर चीनी ब्रांडों के होने के नाते उनका मजाक उड़ाया जाता था, वहीं पर आज भारतीय बाजार में यही चीनी कंपनियां पूरी तरीके से कब्जा कर चुकी है। इनके इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल के सेगमेंट में हालत भी कुछ ज़्यादा ही खराब है। देश में 50 करोड़ से भी ज़्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं, और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में चीनी ब्रांड्स का ही पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है। तो दोस्तों आज आपको बताते हैं भारत की और विदेशी कंपनियों के मोबाइल्स के बारे में। इंटरनेट की एक रिसर्च के मुताबिक 2020 के अंदर भारत के पहले 3 महीने में यानी कि जनवरी से मार्च के बीच में भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 70% से भी ज़्यादा रही। इनका कहने का मतलब है कि 100 में से 70 लोगों के पास चाइना के ही स्मार्टफोन हैं, और देश के टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड्स में 4 तो चाइना के ही हैं। भारत के अंदर स्मार्टफोन मार्केट करीब 2 लाख करोड़ रुपए का है, जिसके अंदर से ज़्यादातर हिस्सेदारी सिर्फ चाइना कंपनीज की ही है। तो कौन से हैं चाइना के मोबाइल? शाओमी, MI, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस और आईकू। दोस्तों ये बड़े बड़े मोबाइल के ब्रांड्स सभी चाइना के हैं, लेकिन आपको बताने वाली बात यह है कि BBK इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक कंपनी जो कि चाइना की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी है, वो इन सभी को होल्ड करती है। यानी कि इन सभी बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियों का पैसा BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के पास जाता है, जो कि चाइना की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी है। भले ही इन सभी मोबाइल्स का अलग अलग नाम और अलग अलग ब्रांड प्रमोशन किया जाता है, लेकिन इन सभी का पैसा चाइना के पास ही जाता है। दोस्तों और तो और मोटोरोला, लिनोवो, युआवे, कूलपैड, जियोनी, टेक्नो मोबाइल और मिजू जैसे मोबाइल ब्रांड्स भी चाइना के हैं, जो कि भारत के अंदर मौजूद है। दोस्तों अगर भारतीय मार्केट में चीनी मोबाइल स्मार्टफोन के शेयर्स की बात की जाए तो 30% मार्केट शेयर शाओमी मोबाइल्स का है, जहां पर दूसरे नंबर पर है 17% मार्केट शेयर के साथ वीवो मोबाइल्स, और टॉप 5 में से सिर्फ सैमसंग ही एक ऐसा मोबाइल है जो कि दक्षिण कोरिया का है। सैमसंग का मार्केट शेयर भारत में सिर्फ 16% का है। लेकिन अब चाइना के मोबाइल्स भारतीय जनता को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने के लिए डब्बे के पीछे मेक इन इंडिया नाम का लोगो चिपकाती है, जिसका मतलब ये है कि उसके सारे पार्ट्स तो चाइना के बने हुए हैं, लेकिन उनको भारत में लाकर असेंबल किया जाता है। लेकिन दोस्तों कई लोगों का ऐसा मानना है कि इन मोबाइल असेंबल करने वाली फैक्ट्रीज में भारतीयों को ही रोजगार मिलता है, इसीलिए ये काम भी सही है। आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं भारत के मोबाइल्स के बारे में। भारत में कौन कौन से मोबाइल फ़ोन बनाए जाते हैं? सेलकॉन मोबाइल्स, HCL टेक्नोलॉजी, आईबॉल, इंटेक्स, कार्बन मोबाइल, लावा, माइक्रोमैक्स, ओनिडा, रिलायंस कम्युनिकेशन, स्पाइस डिजिटल, वीडियोकॉन, जोलो और यूयूरेका। इन सभी का निर्माण भारत में किया जाता है। दोस्तों चाइना अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट को इतना ज़्यादा सस्ता कर चुका है कि भले वो मोबाइल भारत में बना हो या अन्य देशों में, आपको उसके अंदर कोई ना कोई पार्ट चाइना का तो बना हुआ मिल ही जाएगा। दोस्तों अगर अन्य देशों के मोबाइल फ़ोन्स की बात की जाए तो LG और सैमसंग के मोबाइल फ़ोन्स साउथ कोरिया में बनाए जाते हैं, वहीं एसर, आसूस, BenQ और HTC के मोबाइल्स ताइवान देश के हैं। वहीं दुनिया के सबसे फेमस एप्पल, गूगल नेक्सस और माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल्स यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। वहीं ब्लैकबेरी का मोबाइल कनाडा में बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों विडंबना वाली बात यह है कि इन सभी मोबाइल्स के छोटे से छोटे पार्ट्स भी कई बार चाइना से ही मंगाए जाते हैं, और इनमें से अधिकतर पार्ट्स चाइना में ही असेंबल करके पूरी दुनिया भर में बेचे जाते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।